पांच छह साल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो गाइड प्लीज, सैर करेंगे आप? जी नहीं। अच्छी जरूर कीजिए, ये राहें और ये फजाएं शहर में कहाँ नसीब होती। आइए मैं आपको रास्तों की सैर करा दूं। शर्म, आपको शर्म नहीं आती हमारा पीछा करते हुए? आती है। अब पहले ये बताइए कि इस पुरफजा मकाम पर पहले से कौन मौजूद था, आप या हम? होटल में पहले से कौन मौजूद था, आप या हम? तो फिर ये बताइए कि पीछा कौन कर रहा है, आप या हम? शटअप। अजी मोहतरमा, शटअप के अलावा भी कोई और अंग्रेजी का लफ्ज आता है आपको? इडियट। वेरी गुड, आता है आता है। देखिए, हम और आप एक ही होटल के बासी हैं, क्यों ना अपने बिगड़े हुए ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर ले। हम आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आलमी अमन के लिए सुलह जरूरी है। सुलह उनसे होती है जिनसे लड़ाई हो। अच्छा, तो क्या आपकी और हमारी कोई लड़ाई नहीं? जी नहीं, मैं तो आपको मुंह लगाने के काबिल भी नहीं समझती। अच्छा, तो क्या फिर दिल लगाने के काबिल समझती? ओ शट अप, मैं अभी हाजिर हूँ। देखिए, यूं रूठ कर जाने से दिल में मैल आ जाता है और सारी तफरी खाक में मिल जाती है। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। अजी तौबा कीजिए, आपको कौन बुरी कहता है? मैं आपकी शराफत की कसम खा सकता हूँ। अरे वाह मेम साहब, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, हर बात पे शरत शरत। शकील भैया शरत। यूसुफ भैया शरत। यूसुफ भैया, मैंने मस्तूरात का पता चला ही लिया। नालायक, सिर्फ उस मस्तूर का पता चलाओ जिसके हाथ में कैमरा रहता है, उसका भी पता चल जाएगा वहाँ उन लड़कियों का खाना रखा हुआ है। आए खाना और लड़कियाँ? वो वहाँ नहीं है, कहीं और रखी हुई है। मौका है, हमला करके दुश्मन के रसद पानी पर कब्जा कर लो। गुड, दुश्मन आज बचने ना पाए, दुश्मन का रसद पानी खत्म कर दो साथ। ये रही दुश्मन की। अबे देखो, जाओ बिजली बंद कर, टूट पड़ा। अच्छा पहलवान जी, आपकी मर्जी, मगर खाना ठंडा हो रहा है। पहलवान जी, मैं तो चुप रहो। चलो चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। आ गई आप? इस बेतकल्लुफी की माफी चाहता हूँ, दरअसल आप जैसे नाजुक हाथों से पक्का हुआ खाना खाना मेरी कमजोरी है। अरे ये आपकी जिंस क्यों बदल गई? फासला नहीं आता नू, ठंडा ना नू, तो फांटे हो जाता। और स्वीटियों, ये है समाज का दुश्मन, हमारी हड्डियों हमारी जान का दुश्मन, आपके राशन पानी खुराक और गिजा का दुश्मन। खत्म कर दीजिए इसे, खत्म कीजिए इसे, खत्म कर दीजिए इस वजूद को जो भुने हुए मुर्ग और पुलाव की डिश पर हम सबको कुर्बान कराया। यूसुफ भैया, हमें पुकारने की कोशिश मत करो रोमन कौम के जलील कुत्ते, आज से हमने तुम्हें अपनी तमाम मतरूका जायदाद से आग किया।
आखिर आपने मुझे ढूंढी लिया। देखिए ना मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, यकीनन आपका जी चाहता होगा कि मैं सारी जिंदगी आपके पास इसी तरह बैठा रहूं। अजी कुछ बोलिए तो, प्यार का कोई लफ्ज़ ना सही, कम से कम शटअप कह दी। शटअप। थैंक यू। मेरे ख्याल में आपको आपको मिस शटअप का खिताब देना चाहिए, क्या ख्याल है? आप यहाँ से जा नहीं सकते? जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। प्यार की आखिरी हद तक। Oh, you stupid! Oh, no, ma'am, I'm cupid. गैरों की तरह रुक कर तो ना जाइए। मैं अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करती। तो मैं अपना तारुफ अभी कराए देता हूँ, अब मुझ खासदार को। रुको मत। तरकीब नंबर 16, तरकीब नंबर 232। भी हो अजनबी भी है अजनबी, आओ थोड़ी सी जान पहचान कर ले। लाखों हैं मुश्किलें कहती हैं मंजिलें, लाखों हैं मुश्किलें कहती हैं मंजिलें, आओ मिलजुल के इनको आसान कर ले। तुम भी हो अजनबी, हम भी हैं अजनबी। जो तन्हा चलोगे तो दिल ना लगेगा, बहारों में भी ये तड़पता रहेगा। इधर मुड़ के देखो हमारी भी सुन लो, इधर मुड़ के देखो हमारी भी सुन लो, जो हम कह रहे हैं वही दिल कहेगा। तुम भी हो अजनबी, हम भी हैं अजनबी, आओ थोड़ी सी जान पहचान कर ले। तुम भी हो अजनबी, हम भी हैं अजनबी। जब से देखा है दिल कह रहा है, जिसे ढूंढते थे वही मिल गया है। मिले हैं ये दो दिल मगर इनकी मंजिल है, मिले हैं ये दो दिल मगर इनकी मंजिल, न तुमको पता है न हमको पता है। तुम भी हो अजनबी, हम भी हैं अजनबी, आओ थोड़ी सी जान पहचान कर ले। लाओ हैं मुश्किलें कहती हैं मंजिलें, आओ मिलजुल के इनको आसान कर दे। शट अप। शायद आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया। मैं अजनबियों से बेतकल पसंद नहीं करती, इसीलिए तो कहता हूँ कि थोड़ी सी जान पहचान कर ले। मैं शटअप। शटअप। हाय ये बेरुखी अंद, ये हर बात पर शटअप कहना आखिर कहाँ से सीखा है आपने? अकेले में किसी लड़की ये लफंगापन ये अंदाज आखिर कहाँ से सीखा है तुमने? आपने मुझे गलत समझा है मैं शटअप, ना मैं लफंगा हूँ ना आवारा, और ना ही इतना बुरा हूँ जितना आप मुझे समझती है। मैं आपको बुरा क्यों समझती? तो क्या आप मुझे अच्छा समझती हैं? जी नहीं। तो क्या समझती हैं आप मुझे? कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए मिस शटअप प्लीज। अरे यहाँ तो लव सीन हो रहा है, उन चोरों को वहाँ भेजकर यहाँ इश्क फरमाया जा रहा है। मैं बताती हूँ इश्क कैसे होता है। शांति शांति सुनिए तो सही, मैं इधर से गुजर रहा था, इन्होंने मुझे आवाज दी, मैं चला आया। अच्छा मैं चला। ए कहाँ जा रहे हो? तुम्हें सब बातें बतानी होंगी। अच्छा फिर? ये कहने लगी मुझसे मोहब्बत करो, मैंने कहा ना बाबा मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। बको मत। फिर इन्होंने क्या कहा? अजी क्या कहना था, ये मेरे कदमों पर गिर पड़ी और रोकर कहने लगी मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं शर्म से सुर्ख हो गया, देखिए ना आखिर मैं जवान लड़का जाऊँ। मैंने कहा आपको इस तरह मुझे अकेले में छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? आपके घर में अपने बाप भाई नहीं है? मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। क्यों? आपको इनके सामने इकरार मोहब्बत करते हुए शर्म आती है, और वो जो मुझे अकेला देखकर लव सॉन्ग गा रही थी वो कुछ नहीं? झूठे कहेंगे,
आपने झूठ बोला है, आपने हमारी सहेली पर इल्जाम लगाया है, आपको सजा दी जाएगी। सजा? जी हाँ, और आपकी सजा ये है कि आपकी बिल्कुल मुफ्त हजामत कर दी जाए। हजामत? क्यों आप लोग तकलीफ करती हैं, देखिए ना मुझे फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, फिर कभी सही। अटैक। वो तो पहाड़ी से नीचे ही गिर गया। कोई बात नहीं, पहाड़ी इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है। पहाड़ी से नीचे आने का ये कौन सा तरीका है? मैं खुद आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। वो तो हमें पता है, तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि हम होटल जाने के बजाय तुम्हारी तलाश में निकल खड़े हुए। हाँ, और यहाँ पहुँचे तो तुम्हारी और लड़कियों की गुफ्तगू सुनी है। हम तो ऊपर जाने की सोच रहे थे, तुम खुद ब खुद नीचे आ गए। लड़कियों के हाथों होने वाली इस बेइज्जती का इंतकाम लेना ही पड़ेगा। इंतकाम? इंतकाम? मगर बदतमीजी। अच्छा, हमें आज ही पता चला। हाँ नारी, शरीर लड़के दिल के बुरे नहीं होते। अगर दो चार मुलाकातें और हुई तुम्हारी उससे तो थर्डी हो जाओगी लड़कों पर। पता नहीं उस बेचारे का क्या हशर हुआ होगा। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मे आई कम इन प्लीज? आई, क्या बात है? बेचारे की बुरी हालत है, रोहू मछली की तरह तड़प रहा है, टांग के दो पीसेस हो चुके। टांग टूट गई? जी हाँ, उसका तो दिल भी टूट चुका है, मुश्किल ही से बचेगा। बेहोश पड़ा हुआ है, मगर जबान पर आपका नाम। मेरा नाम? जी हाँ, कह रहा था मरने से पहले मिस चटप से माफी मांगूंगा। माफी तो मैं मांगूंगी उससे। तो फिर जल्दी चलिए, कहीं आपके पहुँचने से पहले दम ही ना निकल जाए उसका। ऐसा ना कहीं, और नॉरिन हम उसे चल कर देख लेते। चलो चलो बेबी। ये देखिए, मौत के इंतजार में लेटा हुआ है बेचारा। इनका इंतजार भी तो था। एक ही बात है इडियट, देखिए दिल का ये आलम है, तीसरे उठ रही है। मालूम होता है 440 का करंट दौड़ा है, लेकिन आप हाथ ना लगाइएगा वरना पक जाएंगे। शरद को बुला, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। आंखें खोलो शकी, मिस शरद आ गई। वो क्यों आने लगी? मैं आ गई। आ गई? अच्छा किया आप आ गई। आपका दिल दुखाने की बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे। आए, बहुत दुख पहुंचाया है मैंने आपको। दुख तो आपको पहुंची है मेरी वजह से। टांग टूटने का कोई गम नहीं, दुख तो इस बात का है कि आप मुझे लफंगा और आवारा समझती हैं। आए। नहीं तो मैं भला आपको ऐसा क्यों समझती? तो फिर आप मुझे क्या समझती हैं? आए। मैं ये शर्मा रही है। आप लोग मुझ मरीज की खातिर जरा बाहर चले जाए प्लीज। आए। अच्छा, आए। बस ठीक है, चलो नूरी बेबी, चलो तू भी बाहर आते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तो बता दीजिए, आए, आप मुझे क्या समझती हैं? मैं आपको एक अच्छे इंसान समझती हूँ। और एक शरीफ नौजवान समझती हूँ। और बस। और बस कुछ आगे भी तो कहिए मिस शटर। आपकी टांग अब कैसी है? छोड़िए इस टांग का जिक्र, आप कहां ले बैठी हैं? कमबख्त पाश पाश हो गई है। आए। डॉक्टर को दिखाया? मेरी डॉक्टर तो आप हैं जी। अब टांग टूटने का गम नहीं रहा। अगर आप मुनासिब समझे तो आपकी टांग का इलाज मैं करा देती हूँ। जी नहीं, अब ये जख्म तो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, इसी की बदौलत तो आप यहाँ आई। अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर कब मिलेंगे? जब भी मौका मिला। आप यहाँ क्यों आ गए? आपने मिलने का वादा किया था,
इंतजार ना कर सका आपका, तलाश करता हुआ यहाँ आ गया। मगर आपकी टांग तो, ये क्या? क्या हुआ? कल आपकी बाएं टांग पर पट्टी बंधी हुई थी और आज दाएं पर है। जी वो दोनों ही टांगें खराब हो गई। क्या मतलब? जी वो मतलब बारी का बुखार सुना है आपने? जी हाँ। बारी का, ये बारी की चोट है। कल उस टांग की बारी थी, आज इस टांग की बारी, लिहाजा मैंने इस टांग पर पट्टी बांध दी। चोट पांव पर लगी हुई है और पट्टी पतलून पे बंधी हुई है। पट्टी पतलून पे? जी वो जल्दी में यही बांध सका, आप कहती हैं तो मैं टांग पर बांधे लेता हूँ, ये तो अपने हाथ की बात है। तो ये बात है जी, आपने मुझसे झूठ बोला था। जी अरे 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 सुनिए, अरे सुनिए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? अजी किस कमबख्त ने झूठ बोला है आपसे, ये देखिए कितनी मोटी पट्टी बंधी हुई। आप तो बैसाखियों के सहारे चल रहे थे, अगर टांग टूटी हुई है तो दौड़े किस तरह? दौड़ा किस तरह? इस तरह। अगर आप बैसाखियों से खुश होती हैं तो ये लीजिए। जब बैसाखियों के बगैर भी चल सकती हैं तो छोड़ दीजिए ना। चलूंगा कैसे, सहारे की जो जरूरत है। अरे अभी जो आप चल रहे थे वो तो आपकी नजर का जादू था। आपकी नजर है या एटॉमिक एनर्जी? समझ लीजिए जो भी आपका दिल चाहे। मेरा दिल तो आपको चाहने लगा है। कल मिलेंगे आप? क्या वाकई मिलेंगे आप? शट अप। हमें शट अप आने का इकरार भी किया था कि जिस पर हम अपना दिल हार बैठे। बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप। जी हाँ। नाम क्या है आपका? नाम तो आपको देखते ही भूल गया था, वैसे आप मुझे देवदास कह सकती हैं। देवदास? ये क्यों? आपको नहीं मालूम हर मोहब्बत करने वाले का नाम देवदास होता है? तो आप आप कहती हैं तो माने लेता हूँ, वरना मैं तो इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता था। देना कौन करे मोहब्बत होता। मगर मैंने आपसे मोहब्बत के लिए कब कहा है? जी और दिल की सहमी सहमी सी धड़कन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गलत फहमी हुई है आपको? जी ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? जी नहीं। आपका दिल मेरे लिए नहीं धड़कता है? जी नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक है अब मैं आनी से मर सकूंगा, मैं तो पहले ही अपनी जिंदगी से आजिज आ चुका था, मगर आप मिली तो सोचा कि शायद अगर अब मैं मर गया तो आप मेरी याद में सारी जिंदगी तड़पती रहेंगी, सिसकती रहेंगी, बिलकती रहेंगी, मगर ये सब कुछ एक ख्वाब निकला। वेरी सैड, वेरी सैड। खुदा मरने जा रहे हैं? जी हाँ। क्यों? जब भी कोई लड़की मेरा प्यार ठुकरा देती है मैं खुदकुशी कर लिया करता हूँ, हमेशा से मेरा यही उसूल रहा है। सुनिए मुझे आवाज ना दीजिए, मुझे मरने दीजिए, मैंने मरने का फैसला कर लिया है। आप शायद इसे मजाक समझ रही हैं, लेकिन चंद ही लम्हों बाद मेरी तड़पती हुई खून में नहाई हुई लाश किसी मुनासिब सी पहाड़ी के खड्ड में आपको मिलेगी, और आप भी उसके बाद सुख और चैन से न रह सकेंगी। आप मुझे ढूंढेंगी, मुझे पुकारेंगी, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं मिलूंगा। अलविदा, अलविदा, अलविदा मेरी मोहब्बत, आखिरी बार अलविदा। सुनिए ठहरिए, मेरी नजरें आपको तलाश करती है, मेरा दिल भी आपके लिए धड़कता है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, अगर आप मर गए तो मैं जिंदा न रह सकूंगी। नहीं, आपने मेरे प्यार की तौहीन की है, मैं नहीं रुक सकता। नहीं ठहरूंगा। नहीं ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम, ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम, ऐसे लम्हे बीते तो आएंगे फिर कहाँ, रुक भी जाओ सनम, ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम, ऐसे लम्हे बीते तो आएंगे फिर कहाँ।
तो मेरी कसम। ऐसे लम्हे बीत गए तो आएंगे फिर कहाँ, रुक भी जाओ सनम, ठहर भी जाओ सनम। बैठे कोई देख ले तो चल जाएगा। चलने दीजिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हंसी हंसी में हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे। जब भी आपने मुझसे नजरें फेर ली, मैं इस चांद को देख लिया करूंगा। क्यों? इस चांद से चेहरे और सितारों से जब ही काक्ष तो मैं इस चांद ही में देखा करता था। सोचा करता था न जाने वो लड़की किस देश में बसती है, जिसके गालों की सुर्खी शपक में और आंखों की चमक सितारों ने चुरा ली। तो मैं भी देखा करती थी। तो मेरा अक्स नजर आता होगा? नहीं तो तो फिर क्या देखा करती थी आप चांद? हर लड़की की तरह चांद को देखकर ख्यालों में खो जाती थी। सोचा करती थी कि चांद के देश का शहजादा मेरी दुनिया में कब आएगा। और आखिर आपको चांद देश का शहजादा यहाँ मिल गया? नहीं नहीं मिला। नहीं, वो तो मेरे दिल के किसी गोशे में पहले ही से छुपा बैठा था। जानते हो, वो बिल्कुल तुम जैसा था। अगर मुझे भूल गई तो दिल की धड़कन ना रुक जाएगी? सर नहीं, जो अगर आप मुझे भूल गए तो ताजमहल टूट जाएगा। सच? बिल्कुल सच। अच्छा तो यहाँ बैठे हो तुम? क्यों? बस यूं ही। फिर भी कुछ पता तो चले। किसी का इंतजार कर रहा था। ओ, तो तुम भी इंतजार करने लगे। अगर किसी से मुराद उनमें से कोई लड़की है तो समझ लो अब यहाँ कोई नहीं आएगा। क्यों? वो यूं के सुबह ही सुबह किसी लड़की के बाप का तार आ गया था, नतीजे के तौर पर सब लड़कियां चली गई। चली गई? मगर तुम्हें कैसे मालूम? दरअसल मैं भी एक लड़की में दिलचस्पी ले रहा हूं। दिल तो उसके साथ ही चला गया,
अब सिर्फ चस्पी ही चस्पी बाकी रह गई है और उसका भी सामान बंद गया है। मतलब ये कि अपनी औकात भूलकर इतने बड़े शानदार होटल में ठहर गए, बजट फेल हो गया और सामान बंद गया। होटल का बिल लग दिया गया है, अब जल्दी चलो, अगर आखिरी बस भी निकल गई तो होटल वाले हम सबको गिरवी रख लेंगे। चलो, उससे ना मिलने की कसक शायद अब जिंदगी भर बाकी रहेगी। हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। आखिर इसमें हर्ज क्या है हजूर, अब तो निस्सो बेटे माशाल्लाह शादी हो गई है। हमें अपनी दौलत और जायदाद के वारिस की जरूरत थी, निश्चय हमें मिल गई। अब हम किसी को अपनी दौलत का हिस्सेदार नहीं बना सकते, चाहे वो हमारी बीवी ही क्यों ना हो। मैं तो हजूर की तन्हाई के ख्याल से अर्ज कर रहा था। यही तन्हाई हमारी दौलत की हिफाजत कर रही है। आदाब डैडी। अखा, आ गई हमारी बेटी। जी हाँ, आपका तार मिलते ही आ गई। दिल का दौरा फिर पड़ गया था आपको? नहीं बेटी, दरअसल कुछ नामाकूल किस्म के बुखारात ने हमारे दिल की जानिब रुख कर लिया था। और मैं समझा कि फिर पहले जैसा खतरनाक दिल का दौरा पड़ गया है, बस दे डाला था। तुम कहो, सीजन कैसा गुजारा? डैडी खूब सैर की और एक जानवर देखा। जानवर? बड़ा अजीब था, उसकी टांग पर अजीब चोट लगी हुई थी। कभी एक टांग पर पट्टी बांधा और कभी दूसरी पर। बिटिया, वो जानवर था या आदमी जो पट्टी बांधता था? पालतू जानवर होगा किसी का? जी हाँ डैडी, पालतू ही था, पालतू। देखा कितनी सीधी है हमारी बेटी। जी, पालतू जानवर देखकर ही खुश हो गई। जी 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 जी। शकील, लव लेटर है क्या? अबे नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब? मेरे दोस्त का नासिर। नासिर कौन? मेरा बहुत ही प्यारा और बचपन का दोस्त, आजकल इंग्लैंड गया है पढ़ने के लिए। इंग्लैंड गया है? फिर तो काफी मालदार होगा। वैसे यार, तुम भी किसी से कम नहीं हुआ है। तुम्हें अपने दोस्त नासिर की कसम, 2 रुपए दे दो तुझे यार, बड़ी सरकत हो। यार बड़े बड़े जलील देखे मगर तुमसे नहीं देखा। नहीं देखा होगा। इतनी बड़ी कसम दे दी कि मैं मना भी नहीं कर सकता। मामूली बात है यार, मेरे पास भी तो 5 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं, तुम मुझे दो, अल्लाह तुम्हें देगा। न जाने कब देगा, मैं तो दे देकर थक गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, इस कॉलेज का सबसे हसीन नौजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे एहसास है कि आप कॉलेज के मशहूर और मकबूल गुलकार शकील को सुनने के लिए बेहतरान हैं। कल अचानक मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने मेरी खिदमत में 2 रुपए पेश करने के बाद एक नहायत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। वो कुछ यूं थी कि रातें थी चांदनी, जोबन पे थी बहार। यूं तो मैं भी सुर में हूं लेकिन आप उन्हीं से सुनिए। बात की खिदमत में हाजिर। चांदनी जोबन पे थी बहार, रातें थी चांदनी जोबन पे थी बहार। बागों में फूल झूम रहे थे खुशी के साथ, बागों में फूल झूम रहे थे खुशी के साथ। हंसता था पात पात, इतने में एक भंवर की प्यासी निगाह ने देखा जो दूर से एक फूल झूम झूम के हंसता था बार बार, एक फूल झूम झूम के हंसता था बार बार। जोबन पे थी बहार, रातें थी चांदनी जोबन पे थी बहार। उड़ता हुआ मचलता हुआ आ गया वहां,
के आस पास कुछ गीत गुनगुना के सुनाने लगा उसे उल्फत से प्यार से देखा जो चांद ने ये तमाशा तड़प गया बादलों में छिप गया हमरे का प्यार देख के शर्मा गया गुलाब सर को झुका दिया फूलों की इस अदा पे उसे प्यार आ गया हमरे ने बढ़ के फूल को दिल से लगा लिया जो बन पे थी बहार रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार खामोश थी पैदा हे आसमां पे चांद न तारे न चांदनी यानी थी दोपहर हमरे की नर्म गोद में सोया हुआ था फूल दुनिया से बेखबर हौरा चुरा के आंख निहायत सफाई से हौले से उठ गया हौरा चुरा के आंख निहायत सफाई से हौले से उठ गया फूलों में जितना रस था वो चोरी से पी गया चुपके से उड़ गया अंगड़ाई लेके फूल था जब हवा चली देखा तो उसकी मस्त जवानी थी लुट चुकी देखा तो उसकी मस्त जवानी थी लुट चुकी जो बनते थी बहार रातें थी चांदनी जो बनते थी बहार पहले तो इस सितम से वो हैरान हो गया सदमे से रो दिया फिर पागलों की तरह परेशान हो गया बेजान हो गया यूं फूल को जो दे हवा ने ली हर पत्ता उठी तारे से ये न देख गया आँख मूंद ली शबनम थी रो पड़ी अब भी चमन में आती है फूलों पे जब बहार नगमों में अपने किस्सा सुनाती है ये हजार जो बन पे थी बहार रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार चलते वक्त पता ही ले लिया होता उसका कि बीमारी के तार ने ऐसा बुखलाया कि चलते वक्त ना उसे मिल सकी ना ही उसका पता ले सकी। अमा खलीफा आज भी तुमने क्लास गोल कर दी ये मुंह लटका क्या बैठे हो यार क्या हुआ यार मुंह लटका इसलिए बैठा हूँ कि वो आशिक मोहम्मद है ना हाँ। उसने अपने 20 रुपए के बदले में मेरी दाढ़ी साफ करा दी हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ नई बात तो नहीं तुम्हारी दाढ़ी तो कई बार साफ हो चुकी यार इसी का रोना नहीं है प्रिंसिपल साहब ने सिर्फ 150 रुपए फीस के बदले में मुझे कॉलेज से भी साफ करा दिया है यानी कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया हाँ और मैं डर रहा हूँ कि वो हॉस्टल का चौकीदार फतेह मोहम्मद है उससे मैंने जो 5 रुपए कर्ज ले रखे हैं कहीं उस बदले में वो मेरा चश्मा ना उतार ले वो डेंजरस चौकीदार सुबह मुझसे यही कह रहा था अच्छा तो फिर मिटा दो ऐसी अनक को जो तुम्हें एक चौकीदार के हाथों दलील करवाए क्यों भाई बिल्कुल ठीक है खत्म कर दो तबाह बर्बाद कर दो अपनी जिल्लत के इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को जिसे देखकर लड़कियां तुम्हें लिफ्ट नहीं देती मुझे अपनी इस इकलौती ऐनक को खुद ही तोड़ना पड़ेगा अलविदा प्यारी ऐनक अलविदा अब अगर तुम्हें लड़कियां नजर आ गई तो जरूर लिफ्ट देंगी नजर तो मुझे अब भी आ रहा है बस कभी इन फोकस हो जाता है कभी आउट फोकस हो जाता है कल ठीक हो जाएगा कोई ऐसी परेशानी की बात हाँ हाँ क्यों नहीं खलीफा उम्मीद पे तो दुनिया कायम है प्यारे अरे भैया ये आपका खत आया मैं तो मनी ऑर्डर में इंटरेस्ट करता अब कॉलेज से निकले हो तो हॉस्टल भी छोड़ना पड़ेगा रहोगे कहाँ भाई वो रेलवे के मुसाफिर खाने में एक बेंच तलाश कर रखी है
वहीं सो रहा करें। अच्छा ये भी खूब रही है। शकील खैरियत तो है यार? घर से खत आया, अब्बा जान की तबीयत खराब है, फौरन बुलाए। ओह तो यार मुझे भी अपने साथ ले चलो। देखो तुम्हारे बगैर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे वालिद हम खिदमत ही करते रहा करें। मगर यार अगर मगर की कोई बात नहीं है यार, अगर तू मुझे अपने साथ ना ले गया तो यहाँ तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। प्लीज। अच्छा यार चल, थैंक यू वेरी मच। कि कुछ ऐसे होते हैं तो 4 रुपए होंगे आपके पास। थैंक यू। Shut up! मेरी भी बहुत सख्त बीमार है नर्स, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। नहीं, इस तरह जाना आपके लिए खतरनाक है। चंद दिन की बात है, पट्टी खुल जाए तो चले जाइएगा। बिजनेस में नुकसान हुआ तो मैंने किसी से मदद ना ली, बीमार हुआ तो सिर्फ इस ख्याल से कर्ज लेना पड़ा कि मेरा शकील कहीं घर की हालत जानकर अपनी तालीम अधूरी ना छोड़ दे। ये तो ठीक है, मगर आप ठहरे बीमार आदमी, जब आप ना रहे तो मैं कर्जा किससे वसूल करूंगा? देखिए ना, सोचने की बात है। जवान बेटे का बाप हूँ मिर्जा साहब, बाप मर जाए तो औलाद कर्ज अदा कर देती है। मैंने शकील को बड़े नाजो नेम से पाला है, वो अम्मे के आखिरी साल में है, कुछ दिनों के बाद उसे अच्छी सी नौकरी, बाप का कर्ज अदा कर देगा। ना साहब ना, कर्जे की वसूली के लिए मैं 5 साल पलान नहीं बनाता। ऐसी औलाद भी किस काम की जो मरे हुए बाप का कर्ज तुम्हें लौटाए? सुन दीजिए, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रकम मिल जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं, बस 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या होगा, आपके इलाज के लिए कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा। मुझे अपने इलाज की नहीं, अपने शकील की फिक्र है बेगम। अगर पैसा मिले तो उसकी फीस कहाँ से जाएगी, इम्तिहान का दाखला कैसे जाएगा, मेरे होते हुए उसकी तालीम का आखिरी साल बर्बाद हो जाएगा बेगम। चाची तुम्हारा घर। खत शकील का होगा, मेरी बीमारी का सुनकर भी वो खुद नहीं आया, क्या लिखा है उसने? क्या हुआ बेगम, क्या लिखा है खत में? सरताज, सरताज। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दीजिए। 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं जरा सामने खड़ा हो जाता हूं। हाँ अब आंखें खोलो। रोशनी कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैंने आंखें खोल ली। रोशनी 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 तो हो रही है शकील साहब। रोशनी हो रही है तो फिर ये अंधेरा कैसा है डॉक्टर साहब? ये कैसी रोशनी है जिसने मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैला दिया है? शकील कहां यूसुफ, मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आता? मैं अंधा हो गया हूं क्या? बोलो यूसुफ, तुम बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं कि मैं अंधा हो गया हूं? अंधा हो गया हूं यूसुफ, मैं अंधा हो गया हूं, मैं अंधा हो गया हूं। कि मैं अब यहां नहीं रहूंगा, मुझे मेरी मां के पास ले चलो। तुम अब मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अंधे का सहारा भी हो। कल सुबह आप यहां से जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मैं इस 4 दीवारी में अब रहना नहीं चाहता, जहां खुलते ही मैं अंधेरों में डूब गया हूं। शकील डॉक्टर साहब की बात मान लो, सुबह होते ही हम यहां से चले जाएं। मर
मरने वाले ने कर्जे की सारी रकम तो बेटे की तालीम पर लगा दी। ये तक नहीं हुआ कि कोई कीमती चीज खरीद कर ही रख ली होती। कम अज कम उसे बेचकर मैं अपनी रकम तो वसूल कर लेता। खैर, 200-400 रुपए का सामान तो है ही इस घर में। तो आप इस घर का सामान नीलाम कर देना चाहते हैं? सामान कैसा, मैं तो तुम्हें भी इस घर से निकाल रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मिर्जा साहब। मर गए मिर्जा साहब। थोड़ा बहुत कर्जा तो सामान बेचकर भी वसूल कर लूंगा, मगर मकान का किराया किससे लूंगा? तरस खाने लगूं तो खुद क्या खाऊं? पर आदमी मैं भी बड़ा कमीना हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर रुपए का नुकसान हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता। सोचने की बात है। बहुत अच्छा मिर्जा साहब, बहुत अच्छा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा शकील अस्पताल में बीमार पड़ा है, उसे अपनी बर्बादी की दास्तान भी सुना दूंगी और घर लुटने की वजह भी बता दूंगी। जरूर बता देना, और हाँ मेरी दुआ भी कह देना उससे। ठहरो, ये तस्वीर कहाँ ले चली? अपनी लुटी हुई खुशियों की तस्वीर भी ना लेके जाओ यहाँ से। खुशियों की तस्वीर जरूर ले जाओ, मगर ये तस्वीर यहीं रहने दो। कम से कम फ्रेम तो 2-4 रुपए का बिक ही जाएगा। बिस्तर वाले मरीज से मिलना है, उसे अभी देर हुई छुट्टी हो चुकी है, वो यहाँ से जा चुके हैं। जा चुका है? जी हाँ। फिर मिर्जा साहब ने बिचारी चची को घर से निकाल कर सामान नीलाम करा दिया। मैं बाहर गया हुआ था, अगर यहाँ होता तो उन्हें कभी इस तरह न जाने देता। मुझे मिर्जा साहब के पास ले चलो अब्दुल, मैं उनसे इस जुल्म की वजह पूछूंगा। मिर्जा के पास जाना बेकार है शकील भैया, उसके सीने में दिल नहीं दौलत की तिजोरी है। तुम्हारी कोई बात उस पर असर नहीं करेगी। अब तुम इसे ही अपना घर समझो, जब तक चाहो यहां रह सकते हो। आंखें छिनी तो सोचा था कि अपनी मां की आंखों से जिंदगी का सफर काट लूंगा, मगर किस्मत ने सहारा भी छीन लिया। माई कौन हो तुम, यहाँ क्यों सो रही थी? नींद भी यहीं आ गई थी और पांव भी यहीं थक गए थे। कहाँ रहती हो? जहाँ पांव थक जाते हैं बहुत दुखी मालूम होती हो। तुम चाहो तो हमारे यहाँ मुलाजमत कर सकती हो। क्यों डैडी? अच्छा ठीक है। सर छुपाने का ठिकाना मिल जाए आपकी बड़ी। अंदर आ जाओ बड़ी भी, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटी। फिर मैं अस्पताल तक पहुंची कि शायद मेरा बेटा अपने उजड़े हुए घर की दहलीज पर मेरा इंतजार कर रहा हो। अगर वहां भी मेरी बदनसीबी के सिवा कुछ न था। आज से तुम मुझे अपनी ही बेटी समझो, शायद इस तरह तुम्हारी ममता को सुकून मिल जाए। ममता तो सिर्फ औलाद को सीने से लगाकर सुकून पाती है। मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही होगी। मायूस न हो शकील, इंशाल्लाह एक दिन जरूर तुम अपनी माँ से मिल जाओगे। छूटी तसल्लियां ना दो यूसुफ। सोचा करता था एमए करने के बाद अपने वालदैन का सहारा बनूंगा, मगर तकदीर ने मुझे खुद भिखारी बनाकर रख दिया है। अब्दुल बेचारा कब तक हमारा बोझ बर्दाश्त करता रहेगा? तुम जानते हो शकील, मैं अभी यहाँ नया नया, मोहल्ले वालों और दुकानदारों से ताल्लुकात वसी नहीं है,
वरना कहीं से उधार ले लेता। अब तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। एक अंधा भला क्या कर सकता है, हिम्मत न हारे तो सब कुछ कर सकता है। तुम कॉलेज की हर तकरीब की जान होते थे, लोग सिर्फ तुम्हारा गाना सुनने आते थे। तुमसे आंखें छीनी है, आवाज नहीं, अपनी आवाज से फायदा उठाओ शकील, रेडियो सिंगर बन जाओ। नहीं यूसुफ, मैं अपनी आवाज नहीं बेचूंगा। ओहो, बेचने को कौन कमबख्त कह रहा है, तुम रेडियो किराए पर दे देना। बोला, ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी माँ तक जा पहुंचे और वो तुम्हें ढूंढती हुई यहां तुम तक आ जाए। से निकल कर किधर जाएंगे, इतने मानूस सयाद से हो गए। अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, आशियां जल गया, गुलशितां लुट गया। वो तबसुम का आलम चमंदर चमन, काले काले वो गेसु शिकंदर शिकन, वो तबसुम का आलम चमंदर चमन। खींच ली उनकी तस्वीर दिल ने मेरे, अब वो दामन बचा कर किधर जाएंगे, आशियां जल गया, गुलशितां लुट गया। ऐ नसीमे सहर तुझको उनकी कसम, उनसे जाकर न कहना मेरा हाल गम। है नसीमे सहर तुझको उनकी कसम, उनसे जाकर न कहना मेरा हाल गम। अपने मिटने का गम तो नहीं है मगर, डर ये है उनके गेसु बिखर जाएंगे, आशियां जल गया, गुलशितां लुट गया। अश्क गम लेके आखिर कहां जाए हम, आंसुओं की यहां कोई कीमत नहीं। अश्क गम लेके आखिर कहां जाए हम, आंसुओं की यहां कोई कीमत नहीं। आप ही अपना दामन बढ़ा दीजिए, वरना मोती जमीन पर बिखर जाएंगे, आशियां जल गया, गुलशितां।
हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे, इतने मानूस सैयाद से हो गए। अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, आशियां जल गया गुलसिता लुट गया। उसमें भी आ जाए निशो बेगम, गीत खत्म हो गया। बेटी ये रेडियो पर कौन गा रहा था? शकील, शकील वही आवाज है, वही नाम है। ये मेरा बेटा है, मैं इससे मिलने जाऊंगी, मैं इससे मिलने जाऊंगी। ये बड़ी भी कुछ कलैक मालूम होती है, बगैर देखे ही इतने बड़े फनकार को अपना बेटा बना लिया। मुमकिन है वो उनका खोया हुआ बेटा ही हो, और ये भी हो सकता है कि ये वही हो। वही जिसे तुम जैसी लड़की दिल लगा बैठी, जिसे मोहब्बत पर यकीन नहीं था। हमारी किससे मिलना है आपने? मुझे रेडियो सिंगर शकील से मिलना है बेटे। वो तो अभी अभी रात तब तक आ जाएंगे, चंद दिनों के बाद आए। बिजनेस के झमेलों की वजह से मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। जी नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं खुद लाहौर आपसे मिलने चला हूँ। निशो से भी तो मिलना था भैया। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सरकार आपका फोन आया जी। बहुत खूब, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। जी बेटे। नाशिद भैया अब तो आप लाहौर ही में रहेंगे ना? नहीं नूरी, मैंने इंग्लैंड से आते ही कराची में अपना क्लिनिक खोल लिया, वही रहो। और अब इनको ऐसे मरीज की तलाश है जिस पर पहले एक्सपेरिमेंट कर सके। बड़ी शरीर हो सलमा, बड़े भाई पर भी जुमलेबाजी से पास नहीं आती। बड़ा ख्याल है भैया का। क्या तुम्हें कोई इतराज है? मुझे क्या इतराज हो सकता है, भैया से और पूछ लो। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। मुबारक हो, ये तो बात ही तय हो गई। नासर भैया सलमा की भी कहीं बात पक्की कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए भैया आते ही लड़ना शुरू कर दिया ना तुमने। हाँ तो क्या बात हो रही थी? यही के मामू जान मुल्तान से वापस आ जाए, तो मिलकर नौरीन की भी कहीं बात तय करवा दीजिए। देखिए चाचा जान। अरे भाई इसमें नाराज होने की क्या बात है, एक ना एक दिन हर लड़की की बात कहीं ना कहीं तय होती ही है। जैसा कि तैयार है सरकार। अच्छी बात है, आओ भाई बाकी बातें खाने पर होंगी। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैंने तुम्हारी तलाश में पूरी कोठी छान मारी। क्यों? ये एक तोहफा देना चाहे। शुक्रिया। संगमरमर का बना हुआ ये ताजमहल मेरी मोहब्बत की जानी। जी। तुमने अगर ये तोहफा कबूल न किया तो मोहब्बत का ताजमहल टूट जाएगा। और अगर आप मुझे भूल गए तो? ताजमहल टूट जाएगा। क्या सोचना? ये ताजमहल नहीं टूटना चाहिए। हाँ निशु, ये ताजमहल नहीं टूटना चाहिए, ये ताजमहल कभी नहीं टूटेगा। क्या बातें हो रही हैं अकेले अकेले? हमेशा बेमौका कूदना। खुदा भैया मुझे देख कर कहाँ चले? पता है क्या, मेरा एक बेहद अजीज दोस्त है, उसे मिल लेना। अच्छा तो वो दोस्त आपको निशो से भी ज्यादा अजीज है जो आते जा रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा कि कौन ज्यादा अजीज। अभी बताइए ना। ये वक्त बताएगा। क्यों निशो? जी हाँ जी जी जी। तो ये तोहफा भैया ने दिया होगा। हाँ। उन्हें तुमसे मोहब्बत करते हुए अरसा हो गया, मगर तोहफा देना अभी ना आए। न जाने वो कैसा इंसान होगा जिसने सबसे पहले ताजमहल तोहफे में दिया होगा। ना अपने महबूब को कोई मोहब्बत का मकबरा भी तोहफे में देता है। शकील भैया यहाँ। थैंक यू बेटी, थैंक यू वेरी मच। शकील कौन? अच्छा अब हम कौन हुए? मकान तब्दील करने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपने दोस्तों और बचपन की यादों को भूल जाए? नासिर खुदा का शुक्र है तुमने पहचाना तो सही। तुम कहाँ हो नासिर? आ रहे हो मस्खरे, अभी तक मैं तुम्हें नजर नहीं आया। इधर आओ नासिर, इधर आओ। शकील तुम? मैं अंधा हो गया हूं नासिर। शकील मैं अंधा हो गया हूं नासिर, मैं अंधा हो गया। शकील
मौत ने बाप को और किस्मत ने मां को छीन लिया। मेरा सब कुछ छिन गया नासिर, मेरा सब कुछ छिन गया। शकील, मौत और किस्मत पर तो मेरा कोई बस नहीं, लेकिन हो सकता है इस अंधेरे पर जरूर इख्तियार हो जो तेरी आंखों के सामने थे। नहीं नहीं नासिर, मां के छिन जाने के बाद मैं इस जालिम दुनिया को देखना नहीं चाहता जिसने बेवा से सर छुपाने का ठिकाना भी छीन लिया है। शकील, ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम इसी तरह अंधे रहे तो इस दुनिया की आंखों में आंखें डालकर उस जुल्म का जवाब नहीं दे सकोगे। मुझे जुल्म का जवाब नहीं, अपनी मां चाहिए नासिर। मेरी खुशियां अंधेरों में डूब गई है। पगला गई इस दुख को जिंदगी का रोग बना बैठे। तुम मेरे साथ कराची चलो किश्की, मैं तेरी आंखों का ऑपरेशन करूंगा और इंशाल्लाह तेरी खूबसूरत आंखें दोबारा रोशन होंगी तो इस दुनिया को दोबारा देख सकेगा। सच नासिर, मैं फिर से देख सकूंगा। हाँ शकील, तू जरूर देखे, जरूर देखेगा, जरूर देखेगा शकील। और जिस शानदार एयर टॉनिक की तलाश में मुल्तान गया था वो मिल तो गया मगर बदकिस्मती ने वहां भी नहीं छोड़ा। अरे वो कैसे? वो ऐसे कि घर आकर बड़े एहतमाम और एहतराम से जो सपे लगाया तो बस चींटियां और मक्खियां हो गई सर पर। अच्छा जी, शीशी को जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि एयर टॉनिक की शीशी रास्ते में शायद से बदल गई थी। अरे मियां नासिर, क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ चाची जान, मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त एक हादसे में अंधा हो गया। ओह, आप आंखों के डॉक्टर हैं, आप चाहें तो अपने दोस्त की आंखों का नूर वापस ला सकते हैं। हाँ, मैं उसे अपने साथ कराची लिए जा रहा हूँ, वहीं उसका ऑपरेशन करना है। चाची जान, मैं सोच रहा हूँ मैं जरा जल्दी चला जाऊं। मगर हम कुछ और सोच रहे हैं। वो क्या? अरे भाई, हम तुम्हारी और निशो की मंगनी कर देना चाहते हैं। इस तरह हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा और फर्ज भी। शादी कुछ दिनों बाद धूमधाम से हो जाएगी। निशो, निशो क्यों चली गई चाचा जान? बहुत शर्मीली है। हाँ तो क्या ख्याल है तुम्हारा नासिर? जैसे आपकी मर्जी से जान, भला मुझे क्या एतराज हो सकता। बस तो परसों मंगनी हो ही जाए तो अच्छा। डैडी ने मेरी मौत का फैसला किया है नौरी। पागल ना बनो निशो, तुम उसके लिए नासिर को ठुकरा रही हो जिसे तुम खो बैठी हो। दिल में रहने वाले खोया नहीं करते। दिल में रहने वालों के जिंदगी की बाजी नहीं लगाई जाती। नौरी, तुम डैडी से कह दो कि मैं शादी नहीं करूंगी। पगली गई। सुनो, मैं रेडियो स्टेशन जाती हूँ, अगर वहाँ तुम्हारा हीरो मिल गया तो वादा करती हूँ कि चाचा जान के पांव पड़कर भी किसी ना किसी तरह ये मंगनी रुकवा दूंगी। जरूर जाओ नौरी। मगर तुम्हें ये वादा करना होगा कि अगर वो वहाँ ना मिला तुम खामोशी से अपनी हार मान लोगी, फिर इस मंगनी पर कोई इतराज ना करोगी। वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। मेरा चेक ड्यूटी रूम से ले रहे। लेकिन ड्यूटी सर से तो ऑलरेडी मैंने 4.25 रुपए उधार ले रखे हैं, वो जो मांगेगा तो चेक कैश करवा के दे दे। ये ठीक है, 4.25 रुपए और उधार ले लूंगा उससे चेक दिखाकर। आओ भाई शकील भैया, चलें चलें। आओ वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए। फरमाइए। मुझे रेडियो सिंगर शकील साहब से मिलना है। मिल लीजिए। आप शकील हैं? तो और नहीं तो क्या वकील हैं? हम तो हसीनो जमील हैं और अगर आप प्यार से कह दें तो हम शकील हैं। वैसे अक्सर लोगों का ख्याल है कि हम जलील हैं। आप फरमाइए क्या हुक्म है? परसों मेरी एक सहेली की मंगनी है, आप 4 बजे तशरीफ लें तो मुझे मसरत होगी। हम जरूर आएंगे। ये लीजिए कार्ड, इस पर पता लिखा हुआ है। और हाँ सुनिए,
आपको गाना भी सुनाना पड़ेगा। जी अब खामखा वक्त बर्बाद होगा आपका। क्यों? आप जैसे फनकार का गाना हमारी खुशकिस्मत ही होगी। हाँ खैर वो तो है, वैसे अगर आप फरमाएं तो मैं अपने शागिर्द को साथ लेता हूँ। जालिम मेरी आवाज की ऐसी नकल उतारता है कि अगर आप कहीं उसका गाना सुन लें तो आप भी यही समझेंगे कि असली शकील वही है, मैं नहीं। आप उन्हें भी जरूर लें। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह बेटा, दाढ़ी और ऐनक साफ होने की वजह से इज्जत साफ बच गई, वरना सर के बाल भी झाड़ लिए जाते खलीफा। खलीफा, अगर वो हमें मिल जाता तो हम दोनों किसी ना किसी तरह चचा जान को राजी कर लेती। लेकिन अब मैं उनसे किस तरह कहूँ कि निशो किसी साय से दिल लगा बैठी है। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। हाँ नरी, अब मुझे अपना वादा पूरा करना होगा। मेरी रिश्ते में दूर की कुछ लगती है वो, आज इत्तेफाक से मुझे मिल गई, कहने लगी शकील मेरी मंगनी पर जरूर आना। तक तुम शकील कब से हो गए? हाँ शकील तो मेरा घरेलू नाम है यार, खलीफा यूसुफ तो कॉलेज में मैं कहलवाता था। अच्छा, मगर 5 बजे मेरा रेडियो प्रोग्राम है। ओहो, वो प्रोग्राम अपनी जगह, ये प्रोग्राम अपनी जगह, यहाँ 4 बजे पहुँचना है। मगर 3 बजे मेरी रिहर्सल भी, बजाने कब खत्म होगी? यार इतने ही बेवकूफ हो तुम, भाई रिहर्सल से फारिग कर पहुँच जाना, 2-4 मिनट को बैठ कर फिर चले जाना रेडियो स्टेशन। मेरी तरह शो हो जाएगी यार। अच्छा अच्छा, मैं रिहर्सल के बाद सीधा तुम्हारे साथ चला चलूंगा। रिहर्सल के बाद मुझे अपने साथ ले जाकर बोर करोगे तुम? यार तुम तो जानते ही हो मेरा वाह सूट ड्राई क्लीनर के पास गिरवी पड़ा हुआ है, रिश्तेदारी का भी कुछ मामला है ना यार, मुझे तो हर कीमत पर 4 बजे पहुंचना है उस चांद से चेहरे वाली के पास। 4 बजे? हाँ, अगर मैं न गया तो उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी, मोहब्बत का ताजमहल टूट जाएगा। उसने भी यही कहा था। किसने? किसी ने नहीं यूसुफ। आज चांद निकला है। हाँ आज तो बड़ा स्पेशल चांद निकला है, 14वीं का चांद। मुझे खिड़की के पास ले चलो यूसुफ, मैं चांद को देखूंगा। तुम अंधा हूं तो क्या हुआ, आंखें बंद हो जाए तो दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं। मैं अपनी आंखों से चांद को देख लूंगा, अपने चांद को देख लूंगा।
मुझको तेरी याद दिला के बदले में छुप जाए हेलो मुझे देर तो नहीं हुई जी नहीं आइए तशरीफ लाइए थैंक यू चलिए इनसे मिलिए मुल्क के मशहूर फनकार रेडियो सिंगर शकील बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर शुक्रिया तशरीफ रखिए ऐसा लगता है जैसे पहले भी मैंने कहीं आपको देखा है जी जी हाँ कल ही तो हमारी रेडियो स्टेशन पर मुलाकात हुई थी जी नहीं आप कभी मरी गए थे जी हाँ एक मर्तबा तो मैं मर ही गया था उस हादसे में बस बाल बाल बच गया मैं आपको कैसे पता चला जी मैं कोमरी की बात कर रही हूँ मैं समझा आप कोमरी की बात कर रही हैं हेलो नरी मुझे देर तो नहीं हुई आने में जी नहीं आप बड़े अच्छे वक्त पर आई हैं पता नहीं कमबख्त शागिर्द क्यों नहीं आया अभी माफ कीजिएगा हेलो कल शकील स्पीकिंग मैं प्रोफेसर चंगेजी बोल रहा हूँ खान बहादुर साहब को फोन पर बुला लीजिएगा जी हाँ जी हाँ प्रोड्यूसर साहब मुझे मालूम है कि आज मेरा प्रोग्राम है भाई मुझे इससे क्या गर्ज क्या आपका प्रोग्राम है या नहीं आप खान बहादुर साहब को फोन पर बुलाइए जी जी आप बिल्कुल ना घबराएं मैं प्रोग्राम से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगा जी मैं लालच भेजता हूं तुम पर और तुम्हारे प्रोग्राम पर मैं कहता हूं खान बहादुर कहां है जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मेरे लिए प्रोग्राम लेट किया बस मैं पहुंच रहा हूं अबे उल्लू बाजी कधे पिलपिली नॉनसेंस मैं प्रोड्यूसर नहीं प्रोफेसर चंगेजी बोल रहा हूं चंगेजी चंगेज खान का पोता मिस्टर हिलाकू खान गधा कहेगा जी देखिए गालियां मत दीजिए जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू डीजे साहब बुलावा आ गया वहां मेरा इंतजार हो रहा है अभी इजाजत चाहूंगा मगर आपकी आवाज तो वो आवाज ठीक हुई तो फोन आ गया चलिए कोई बात नहीं फिर कभी आपका गाना सुन लेंगे जी नहीं फिर कभी क्यों मैं भी यहां मौजूद हूं और ये रेडियो ग्राम भी इसे ऑन किए जा रहा हूं खुदा आ रहा हूं भाई आ रहा हूं एक आर्टिस्ट की जिंदगी भी क्या है प्रोग्राम की खातिर बेचारे बैठ भी ना सके
माफ कीजिए मैं। शट अप, पहले छेड़ते हो फिर माफी मांगते हो। क्या बात है भाई? हम लोग खड़े यहाँ बातें कर रहे हैं और आकर टकरा गया। क्यों भाई, तुम्हें ये लड़की नजर नहीं आई? जी नहीं। और अब कुछ नजर आया तुम्हें? जी नहीं। अब कुछ नजर आया? अब क्यों खड़े हो, चले यहाँ से। दुनिया को अब क्या समझाएं, दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुख तो ही है जीत के भी हम सब कुछ अपना हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं। अपने भी अपने नहीं रहते, बेगाने बन जाते हैं, साया भी हट जाता है जब गम के जमाने आते हैं, दुनिया से क्या शिकवा जब हम, दुनिया से क्या शिकवा जब हम, अपनी दुनिया हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं। लेकिन पी लेंगे एक एक करके, सबसे बिछड़े फिर भी अकेले जी लेंगे, किस किस को अब याद करें हम, किस किस को अब याद करें हम, जाने क्या क्या हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुख तो यही है जीत के भी हम सब कुछ अपना हार गए, दुनिया को अब क्या समझाऊं। चलो माना कि तुम वहां गए थे, अगर मुझे खबर करा देते तो मैं तुम्हें अंदर बुलवा लेता, कम से कम मेरी आवाज का भट्टा तो ना बैठता। मगर मेरे वहां ना पहुंचने से तुम्हारी आवाज का क्या ताल्लुक? शकील नासिर आओ आओ। ओहो, रेडियो सिंगर शकील भी यहां मौजूद है? रेडियो सिंगर शकील? हाँ, आज ही इनसे एक जगह मुलाकात हुई थी, मगर ऐन मौके पे इनकी आवाज बैठ गई, वरना एक आदगी जरूर सुनते। जी हाँ, वो कुछ मजबूरी थी, वरना मैं कुछ ना कुछ जरूर सुनाता। हाँ, ऐसे मौकों पर इनकी आवाज अक्सर बैठ जाती है। हाँ, फनकार जो ठहरे। अरे हाँ सुनाओ, तुम आज सारा दिन कहाँ रहे? आज मेरा रेडियो प्रोग्राम था, सारा दिन उधर ही रहा। रेडियो प्रोग्राम? मैं रेडियो पर गाता जो।
मैं भी हाजिर हुआ, जरा मामू जान से मिला हूँ। तुम्हारे मामू? हाँ, वो कल ही बना है, न गया तो उन्हें सख्त सदमा होगा। सुनिए, खुदा हाफिज। शकील, आज मेरी मंगनी थी, मैं चाहता था कि इस खुशी के मौके पर तुम जैसा दोस्त भी मेरे साथ होता। मंगनी मुबारक। चुपके ही चुपके पाला मार लिया। बस बरसों की आरजू अचानक पूरी हो गई। यूं कहो, वो लड़की तुम्हें पसंद है। हाँ शकील, वो लड़की मुझे बेहद पसंद है। दरअसल वो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। पुजारी को देवी मिल जाए तो और क्या चाहिए। हाँ शकील, और देवी छिन जाए तो पुजारी मर जाता है। देवी तो दिल में होती है दोस्त, कोई उसका अक्स चांद में देख लेता है और कोई दिल के वीराने। लेकिन मेरे प्यार की देवी मुझे जीती जागती मिल गई। खुशकिस्मत जो। अच्छा सुनो शकील, हम यहाँ से कल जा रहे हैं, मैंने तुम्हारा टिकट ले लिया। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। अच्छी बात, अब मैं चलता हूँ। बस अभी कल जाना है ना, और दूसरे मुझे कुछ बाजार में कुछ काम और। अच्छी बात, अच्छी बात, मैं कल मिलूंगा। खुदा खुदा आज। अबे गधे, ये मडगार्ड टूट जाता मोटर का तो। अबे मडगार्ड अगर मेरी कमीज का कॉलर फट जाता तो। अरे आप डैडी, ये मुल्क के मशहूर फनकार रेडियो सिंगर शकील हैं। हाँ शकील साहब, भाई खूब। क्यों, कैसे रही ये मुलाकात? बड़ी जोरदार रही ये मुलाकात। आइए अंदर तशरीफ लाइए। अंदर? हाँ हाँ, यही अपना गरीब खाना है। अच्छा अच्छा, अपना घर तो जेल खाना है। ये क्या पागल चले मेरा मजा। हमारी खुशकिस्मत है कि इतने बड़े फनकार आज हमारे घर आए। बैठिए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया साहब जी, अंदर ड्राइंग रूम में अजमल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यहाँ बाहर ही भेज दो। बहुत अच्छा जी। अजमल साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं जी। अरे आप तो उन्हें जानते ही होंगे जी। वो कैसे? अरे भाई, आप रेडियो पर गाते हैं और वो म्यूजिक सेक्शन के इंचार्ज हैं जी। म्यूजिक के इंचार्ज की इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। जाने अरे नहीं, नहीं नहीं भाई, चाय पिए बगैर कैसे जाने देंगे? आप नहीं समझ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए अजमल साहब, देखिए आज हमारे यहाँ कौन आया है। आपके मशहूर फनकार रेडियो सिंगर शकील। रेडियो सिंगर शकील? और ये क्यों मजाक कर रहे हैं आप? मजाक तो क्या, ये रेडियो सिंगर शकील नहीं है? अजी साहब, ये कहाँ पे रेडियो सिंगर शकील हैं? हाँ अलबत्ता मैंने इनको देखा जरूर है शकील साहब के साथ, लेकिन एक चमचे के तौर पे। चमचे के तौर पे? जी। क्यों भाई चमचे? ये क्या कह रहे हैं? चौकीदार, पकड़ कर इसको डंडे मार मार के इसका भुरकस निकाल दो, और देखो ये आइंदा इधर ना आने पाए। चलो शाबाश 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 शाबाश। लो ये है तुम्हारा कमरा, संभल के संभल के। जहां कोई बिठा देगा उसी को अपना कमरा समझूंगा नासिर। एक अंधे को कमरे की पहचान कहां? अगला कहीं का। घबराओ नहीं, थोड़े दिनों में तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर तुम सारी दुनिया को अपनी आंखों से देख सकोगे। आदाब भैया, मुझे पता चला है कि आप अभी आए हैं। हाँ मैं अभी आया हूँ। शकील, ये हैं डॉक्टर सोहेल, मेरे माविन हैं और सलमा के मंगेतर भी, और ये मेरा बड़ा प्यारा दोस्त शकील। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। अच्छा सलमा, तुम शकील को बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। चलो शकील चलो, अब हम क्लिनिक चलते हैं। चलिए। भैया आपकी शरारतों के बड़े किस्से सुनाया करते थे, मगर आप तो बड़े खामोश खामोश से हैं। बैठिए। जब से आंखें छिनी है मैं अपनी सारी शरारतें भूल गया हूँ। वो क्यों, आप खुश रहा कीजिए ना, खूब हंसा कीजिए ताकि गम आपके करीब ना आ सके। जानती हो खुशी क्या है? आप बता दीजिए। दो बड़े गमों के दरमियान मुख्तसर सा वक्फा। आपके घर वाले तो आपको खुश रखने की कोशिश करते होंगे। आंखें छिनी तो सब कुछ छिन गया, न घर रहा न घर वाले। तो आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? माँ है जो मेरी जिंदगी के अंधेरों में खो गई है, अब सिर्फ एक दोस्त है मेरे साथ, वही बेचारा मेरे दुख सुख का साथी है। ए बा,
नौरीन बीबी को बुलाओ, उनका मनियाडर आया है। क्या बात है माजू? अब बीबी आपका मनियाडर आया है? ये बीबी आपका ये मनियाडर आया है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कल 4 बजे मिलोगी ना कंपनी बाग में, तुम्हारा यूसुफ। रिसीव करके दस्तखत कर दीजिए। अरे भाई कहाँ से आया तुम्हारा मनी ऑर्डर, जरा हम भी तो देखें। हैं? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कल 4 बजे मिलोगी ना कंपनी बाग में, तुम्हारा यूसुफ। ओए तू फिर आया? इतना ले तुम चौकीदार, ये बचकर न जाने पाए, पकड़ लो। क्या अभी पिट के आए हो घर से? ये उड़ी उड़ी सिरंगत और खुले खुले से गेतू देखकर भी पूछ रहे हो? यार तुम जाते कहाँ पिटने के लिए? तुम्हें उसका पता नहीं बताया जा सकता। वो क्यों? इसलिए भाई कि तुम भी शादी की वेटिंग लिस्ट में और मैं भी। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। अजीब आदमी हो यार, रोज जाते भी हो और पिटते भी हो। अच्छा दबाना जरा। ऑपरेशन कब करोगे नासिर? बस 15-20 दिन बाद, जब तक कुछ मौसम भी ठीक हो जाएगा और दवाइयां भी असर कर जाएंगी। अंधेरा चंद लम्हों का हो या चंद दिनों का, इंसान घबरा जाता है इससे। हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है दोस्त, और सच पूछो तो रोशनी किसी के प्यार से होती है। अगर तुम भी किसी से दिल लगा बैठते बच्चू, तो आज इस अंधेरे में उजाला तो हो जाता। दिल तो लगाया है। किससे? यही तो मैं खुद भी नहीं जानता। है क्या मतलब? नहीं, नाम पता भी नहीं जानते उसका? जानता। तो फिर बताओ उसका नाम। धड़कन। पता? मेरा दिल। मगर सुना है इस नाम और पते के खतूत अक्सर बैरंग हो जाते हैं। बहुत तो जाते हैं ना। अब देखें तुम्हारा खत पहुंचता है या हेड लेटर ऑफिस से मोहर लगकर वापस आ जाता है। हाँ ना, फिर उससे मिलना भी ख्वाब बनकर रह गया है। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी तरह दिल पर किसी के बिछड़ने का जख्म नहीं खाया। भाई तुम्हारी हिम्मत है, मैं तो अगर अपनी मोहब्बत से बिछड़ गया होता कभी का मर गया होता। ये रुखी सोच तो अब जिंदगी भर के लिए मेरे साथ है नारिन। निशो बेटी। जी डैडी। बैठो बैठो भाई, नासिर का खत आया है, सलमा की मंगनी हो रही, हम सबको बुलाया है। जी आज सुबह ही मेरा डैडी का दावतनामा भी आया है। मुझे चंद जरूरी काम है, तुम चली जाओ, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। डैडी मैं कहीं नहीं जाना चाहती। हैं? आखिर क्यों? मैं वहाँ जाते हुए शर्मा रही है। ओ, मगर भाई सलमा तुम्हारी बहन भी तो है, तुम्हें उसकी खुशी में शरीक होना ही पड़ेगा। आप बेफिक्र रहे चाचा जान, ये जरूर जाएगी। तुम बड़ी बी को लेकर कल सुबह से चली जाओ, मैं अभी तुम दोनों का टिकट मंगवा देता हूँ और नासिर को इत्तला भी दिया देता हूँ तुम्हारे वहाँ पहुँचने की। हाँ हाँ बड़ी भी, तुम बैठो, मैं क्लिनिक ले जाके देखता हूँ तुम्हें। रहने दो बेटा, जरा सा बुखार ही। अरे बड़ी भी इतना तेज बुखार है, उसे दवा भी ले लेना। चौकीदार, बड़ी भी के लिए सर्वेंट क्वार्टर में बिस्तर लगा दो। बहुत बेहतर। अच्छा तो फिर मैं अंदर चलती हूँ। आपका आपका अंदर। बस बच्चों की तरह ठोकर खा कर गिर गए। मुझे तो रमजू से पता चला, वरना जनाब तो चोट खाकर पी गए थे। कभी कभी जी चाहता है कि चोट खाकर भी किसी से कुछ भी ना कहा जाए, और कभी जी चाहता है कि बिन चोट खाए हुए किसी से कहा जाए कि टांग पाश पाश हो गई है। ताज्जुब तो ये है कि इतनी चोट लगी हुई थी तो अब चले कैसे? तुम्हारी मोहब्बत के सहारे। मेरी मोहब्बत है या एटॉमिक एनर्जी? अरे तुम अभी आई हो क्या? कहाँ चली? बाहर वो सामान रखा है ना। चौकीदार उतरवाएगा, तुम इधर आओ,
इनसे मिलो, ये भैया के दोस्त मिस्टर शकील हैं और जनाब ये मेरी होने वाली भाभी हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठो तो सही, ये बड़े मजे के आदमी हैं, इनकी बातें सुनूंगी तो लुत्फ आएगा। अरे कहाँ चली? मैं सफर से थकी हुई आई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अच्छा तो चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। कितना मक्कार और फरेबी निकला ये शकील, इस तरह मिला जैसे कभी की पहचान ही नहीं। मैं भी कितनी पागल थी जो कि मोहब्बत पर भरोसा कर बैठी, अब वो सलमा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रहा। यहाँ छुपी खड़ी, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा, कितना प्यार है। कौन है आप? क्यों मारा है मुझे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे अंधा जानकर जलील किया है आपने, मजबूर समझकर। अंधा किस्मत ने किया था और मजबूर हालात ने कर दिया है। इन पथराई की आंखों से न किसी को देख सकता हूं न पहचान सकता हूं। अंधा था इसलिए आपको अपनी छोटी सी बहन सलमा समझ बैठा। आपसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, आप कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि आप रो रही हैं। मुझे खुशी है कि आपकी गलतफहमी आपकी आंसुओं में डूब गई। शकील मुझे मिल गया, मैंने उसे पा लिया है। मैं अब किस्मत के उस फैसले को नहीं मानूंगी, मैं बगावत करूंगी उस फैसले से। किस फैसले को नहीं मानोगी? किस फैसले से बगावत करोगी तुम? अब्बा जान मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बागी बनकर बात करोगी या बेटी बनकर? बेटी बनकर सिर्फ ये कहूंगी कि आप पाप हैं तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, मेरी आरज़ू का खून ना कीजिए। तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं, तुम किसी और को पसंद करती? जी। कौन है वो, किस खानदान से है, हमें बताओ बेटी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो? लेकिन वो यहाँ है, नासिर का अंधा दोस्त। नासिर का अंधा दोस्त? याद रखो, एक अंधे का हाथ थाम कर उसे सड़क तो पार कराई जा सकती है, लेकिन सारी जिंदगी के लिए उसका हाथ नहीं थामा जा सकता। तो फिर ये रिश्ता भी नहीं होगा अब्बा जान। तुमने से इनकार किया तो लोग हम पर हंसेंगे, उंगलियां उठाएंगे, और तुम जानती हो तुम्हारा बाप दिल का मरीज भी है और गैर, वो ये ताने बर्दाश्त न कर सकेगा, जिल्लत की मौत मर जाएगा, फिर तुम आजाद। निशो तुम अभी आई हो? क्यों रो? रोना तो मुकद्दर बन गया है नारी। क्या बात है? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत यही है नारी, वो नासिर का दोस्त है। और तुम नासिर की मंगेतर हो, मंगेतर के घर में बैठकर उसके दोस्त के लिए आंसू बहा रही निशो। मगर आज ना मैं तुम्हारे आंसू खुश करूंगी ना कोई तसल्ली दूंगी। तो फिर मुझे जहर ला दो ताकि आसानी से मर तो सको। ऐसी मौत की पेशानी पर दाग बन जाती है, फिर खानदान की हर लड़की को ये जहर खाना पड़ेगा। तुम्हारे बाद इस घराने की लड़कियों पर कोई भरोसा न कर सकेगा। नवीन, तुम्हारे साथ ही खानदान की इज्जत का जनाजा भी उठ जाएगा और जिल्लत की मौत तुम्हारे बाप का मुकद्दर बन जाएगी। नहीं, नहीं, खानदान की आबरू और अपने बाप की जिंदगी पर मैं अपना प्यार कुर्बान कर दूंगी। पाकिस्तान में फोकर तैयारों की सर्विस में इजाफा करेगी। एक गैरतमंद बाप ने अपनी बेटी के को गोली से उड़ा दिया। 2 रुपए होंगे टूटे हुए आपके पास? ओए, तू? जी हाँ मैं। चला जा यहाँ से कमबख्त।
वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चला कैसे जाऊं, मौजिज मेहमान हूं, ये दावतनामा है मेरे पास, 2 रुपए दीजिए, टैक्सी वाले किराया देना। चलिए दावतनामा, ये कमबख्त यहां भी आकर मुझे चिमड़ गया। नासर मियां, नासर मियां, कहां हो तुम भाई? अब कैसी हालत है इनकी? इन्हें अस्पताल भेजना पड़ेगा। अस्पताल? हाँ, वहां तुम्हारा इलाज अच्छी तरह हो जाएगा। तो फिर आज ही ले जाए, कल सलमा की मंगनी है। हाँ, और परसों मुझे अपने एक दोस्त का ऑपरेशन करना है। 2 दिन तो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी। किस चीज का ऑपरेशन करोगे बेटे? वो जी बेचारा अंधा हो गया। दुआ करें कि ऑपरेशन के बाद दोबारा देखने के काबिल। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटे, खुदा किसी को आंख में देखे अंधा न करे। और वो गरीब बड़ा ही दुखी है, आंखें तो पहले ही खो चुका था, किस्मत ने एक और जुल्म किया, उसकी माँ भी उससे बिछड़ गई है। तो यूं कहो वो मुझसे ज्यादा बदनसीब है, मेरा तो सिर्फ बेटा ही बिछड़ा है, उसकी तो आंखों का नूर और जन्नत भी खो गई। हाँ यही समझ। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता हूँ। विशाल तुम ही निकलो। एक्सक्यूज मी, बड़े मियाँ कंघी होगी आपके पास? बकवास मत करो, कंबख ने कंघी का नाम लेकर बाल याद करवा दिए, सारा मूड फना हो गया। चलो मंगनी की महफिल में चलकर अपना दिल बहलाते हैं। Thank you.
धूमधाम से हुई मंगनी? जी हाँ, इंशाल्लाह मंगनी तो अपनी धूमधाम से होगी। जनाब, मंगनी सबसे ज्यादा हमारे शकील की धूमधाम से होगी, समझे आप? कौन है वो खुश नसीब जो हमारी भाभी बनेंगी? चुपके से मुझे बता दीजिए, दूसरे दिन ही भाभी बना कर न ले आऊं तो कहना। क्या बताओ, तुम्हारी भाभी बनने के लिए तैयारी ना हो? बता आप दीजिए, उसे मनाना मेरा काम। ये बेचारा तो उस लड़की का नाम और पता तक नहीं जानता, आंखें खोकर भी उसी के तसव्वुर में खोया रहता है। और मजे की बात यह है कि इसके तड़पने की उस लड़की को खबर तक नहीं। नहीं नासिर, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, कौन जाने वो अब भी मुझे कितना याद करती होगी। हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती। अरे यूसुफ, कहाँ तुम? ओ नासिर भैया, सारी रात नींद नहीं आती, रुमानी नावल पढ़ पढ़ कर गुजारा होता है। कोई ऐसा मिक्सचर दीजिए कि बस सो ही जाऊं। इन्हें 10 नंबर का मिक्सचर दे दो। कुछ नंबर कम नहीं हो सकता? ये नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व है, बहुत गहरी नींद आएगी। थैंक यू। कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास? जी हाँ, 10 रुपए पड़े। निकालो, और वो जो मिक्सचर है ना, वो नौरीन के वालिद को पिला देना। जी, ये लो 5 रुपए तुम्हारा इनाम, शाबाश जाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। साहब, पानी पीजिए ना। पानी? जी। पानी किसका देने मांगा? लाओ मुझे दे। नहीं नहीं बीबी जी। अरे क्या बीबी जी, बीबी जी लगा रखी है? क्या कर रही है अभी साहब? ना मालूम, मेरी तो आज नींद ही उड़ गई है। पर ना जाने आज मुझे क्यों एकदम नींद आ रही है। तुम सो जाओ बेटे, मुझे तो आज शायद सारी रात ही जागना पड़े। शबा खैर डैडी। शब बखैर। नूरी बुढ़ा सो रहा है, जाग जाओ फौरन। नूरी, ओए तू, आप दवाई नहीं पी आपने? दवा? मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। देखो देखो, जबरदस्ती ड्रिकोला बनने की कोशिश मत करो। अबे ड्रिकोला के बच्चे। अरे भैया, क्या जा तू, क्या हो, क्या गया? हमारे ये कमरे में घुसाया और जगाने लगा लड़की को। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए थे? नौरीन को मिलने। अरे नौरीन का ख्याल छोड़ दे। मैं उसका ख्याल नहीं छोड़ सकता, वो मेरा अटूट अंग है। चाचा जान, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो इनकी शादी कर ही दीजिए। अरे इस कमबख्त ने किसी को रिश्ते के लिए भेजा होता। भाई बन के आपसे रिश्ता मांगता हूँ। रिश्ता मंजूर कर ही लीजिए ना प्लीज। आपकी यही मर्जी है तो मंजूर कर लेता हूँ, बहुत, मगर एक शर्त है। शकील की जैसी पट्टी खुलेगी ऐसे ही निकाह होगा। मंजूर। और कल ही लाहौर जाना पड़ेगा। मंजूर। और गर्दामाद होकर रहना पड़ेगा। मंजूर। आज तुम्हारी पट्टी खुल रही है शकील, बताओ सबसे पहले किसे देखोगे? मां होती तो पहले उसे देखता, मगर मैं अब तुम्हें देखूंगा, जिसकी तुस्ती मेरी आंखों का नूर बनेगी। काश मुझे उस लड़की का नाम और पता मालूम होता जिसे पगले तूती लगा बैठा है। सबसे पहले मैं तुझे उसकी सूरत दिखाता। बिस्मिल्लाह पढ़िए भाई जान। बिस्मिल्लाह। ऐसी आने शकी।
खोलो शकील, शाबाश, आंखें खोलो, आंखें खोलो शकील। मैं देख सकता हूँ नासिर, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। नासिर, क्या हुआ शकील? आंखों का नूर बस ले लो नासिर, ये मुझे धोखा दे रही है। आंखें खुलते ही माँ का तसव्वुर सामने आ गया है। बेटे, माँ, मेरे लाला, मेरे जान, मेरे शकील, मेरे बेटे। कहाँ चला गया था मेरा जान तू? कहाँ चला गया था? आंखों की सीमा, बस ये समझ ले बेटे कि किस्मत ने हालात की दीवार खींच दी थी। मैं यहाँ रहते हुए भी तुझे ना देख सकी मेरे लाल। मुबारक हो शकील, तेरी बड़ी आरजू पूरी हो गई, तूने सबसे पहले अपनी माँ को देख लिया। आपको भी मुबारक हो आप मेरे बच्चे। हम अपने तिजारती दौरे पर यूरोप जा रहे थे, सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे साथ भी गुजार लें। सलमा की मंगनी पर तो हम आ न सके। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा था चचेजान, आप बहुत याद आए। बस भाई, फुर्सत ही ना मिल सकी। आधा बस। अरे शकील आओ, ये चचेजान मेरा दोस्त है शकील। इन्हीं की वालदा आपकी हम मुलाजिम थी चचेजान। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? जी हाँ चचेजान, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। नासिर मियां, हम चाहते हैं कि यूरोप जाने से पहले तुम्हारी शादी भी हो जाए तो बेहतर है, फिर न जाने वहां से कब वापसी हो। जान, मैं चाहता था कि पहले सलमा की शादी हो जाए तो ज्यादा बेहतर। मैं भी यही कहता था। अरे भाई, तुम अपनी शादी के बाद भी सलमा की शादी कर सकते हो। चाचा जान ठीक है नासिर, मगर कुछ नहीं, बुजुर्गों के फैसले में छोटों को बहस नहीं करनी चाहिए। और अब तुम अपनी शादी के बाद सलमा की शादी बड़े इत्मीनान से कर सकोगे, हमारी होने वाली भाभी सारा इंतजाम संभाल लेंगी। चलो जैसे तुम कहते हो, भला मुझे क्या एतराज हो सकता। तुम्हारी सादतमंदी से हमें यही उम्मीद थी। सच पूछो तो तुम्हारी शराफत को देखकर ही हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं, जिसे तुम जैसा नेक शरीफ दामाद मिल जाए, समझो उसकी लॉटरी निकल आई। अपनी दुनिया अलग बसा लीजिए, समझ लीजिए कि जिंदगी के सफर में कोई हमसफर नहीं मिलता। मगर क्यों समझ लो, मैंने अपनी अंधेरी दुनिया में भी उसी हमसफर की यादों के चराग जलाए थे, उसी के गीत गाए थे और उसी की यादों को अपना सहारा बनाया था। सहारे टूट भी जाते हैं, चराग बुझ भी जाते हैं, अपनी निशों को बेवफा नहीं मजबूर समझ कर भूल जाइए। हमारे दरमियान मजबूरी की दीवार खड़ी हो गई है। हमारी मोहब्बत और हमारे प्यार से टकरा कर मजबूरी की वो दीवार भी टूट जाएगी। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ कि आपको अपनाऊंगा, वरना मौत को गले लगा लूंगा। मगर आप यहाँ कैसे? मैं अपनी सहेली से मिलने आई थी, वो सलमा मेरी सहेली है ना? सलमा आपकी सहेली है और नासिर मेरा दोस्त। कुछ आप से कहकर राम वार करें और कुछ मैं नासिर से कहकर किस्मत आजमाता हूँ। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, फिर हमारा एक छोटा सा घर होगा अपनी दुनिया। मैं जब शाम को थका हारा घर आऊंगा तो तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी थकन दूर कर देगी। मैं कहूँगा तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है निशु। नासिर, वो आई थी नासिर, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरी निशु। मुबारक, पाकर नई जिंदगी मिली है मुझे, मैं निशु के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और वो भी बहुत चाहती है मुझे। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। बातें सुन ली है तुमने? उसके एक एक लफ्ज में मेरे लिए कितना प्यार था, कितना चाहती है वो मुझे। और नासिर, वो सलमा की सहेली भी है, तुम जानते हो उसे?
उसके घर वालों को भी जानता हूं। बस तो फिर ये शादी तुम ही करवा सकते हो, तुम ही उसके यहां मेरा रिश्ता लेकर जा सकते हो। नासिर, खामोश ना रहो मेरे दोस्त, जवाब दो, तुम उसके यहां मेरा रिश्ता लेकर जाओगे या नहीं? अगर वो ना मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा नासिर। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। नासिर, जिसे तुम जैसा दोस्त मिल जाए उसे खुदा से और कुछ नहीं मांगना चाहिए। फैसला करो नासिर, एक तरफ तुम्हारा दोस्त है और दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार। आज तुम्हें फैसला करना होगा, दोस्ती अजीज है या मोहब्बत। सच पूछो तो तुम्हारी शराब करी हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं, जिसे तुम जैसा नेक शरीफ दामाद मिल जाए समझो उसकी लॉटरी निकल आएगी। नासिर, जिसे तुम जैसा दोस्त मिल जाए उसे खुदा से और कुछ नहीं मांगना चाहिए। एक तरफ तुम्हारा दोस्त है, दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार। नासिर, खामोश ना रहो मेरे दोस्त, अगर वो ना मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा नासिर। फैसला करो नासिर, फैसला करो नासिर, फैसला करो नासिर। रात सारी गुजर गई, सुबह होने वाली है, नासिर अभी तक नहीं आया। उनके सब दोस्तों के हाल में तलाश कर चुका मगर वो कहीं मिले ही नहीं। कहाँ तलाश किया है तुमने मुझे? कहाँ चले गए थे भैया? मैं कलम गया था सलमा, कलम गए थे तो किसी को बताकर जाते, वहां जाकर टेलीफोन करते, हम सारे यहाँ परेशान होते रहे। ओ, नाराज क्यों होते हैं चचेरा? मैं कलब गया था, जंग पे तो नहीं गया था। तुमने शराब पी है नासिर? हाँ, मैंने शराब पी है, शराब पीना कोई बुरी बात? मैं इंग्लैंड रिटर्न हूँ शकील, अच्छी शराब की पहचान जानता हूँ। क्या तुम इंग्लैंड में भी? ओहो, इंग्लैंड की बात मत कीजिए चचेरा, मुझे रीता याद आती है। कम्बक अपने हाथों से डबल पैक बना के पिलाती थी, कहती थी मैं तुमसे शादी करूँ। मैंने भी वादा कर लिया। हाँ जयजन, वहाँ तो मुझे जो लड़की भी मिलती थी मैं उससे वादा कर लेता था। जैकलिन, एन, रीटा और हाँ, मैंने आपकी बेटी से भी तो शादी करने का वादा किया था ना। बदतमीज, बकवास मत करो। जयजन, अब नाराज काहे को हो गए? इसके माँ बाप के खून की तासीर ये तो नहीं थी कि उनकी औलाद शराबी और आवारा होती। नासिर ने शराब पीकर खानदान का वकार खत्म कर दिया है, इज्जत शराब की बोतल में डबो दी है। नासिर और हमारे दरमियान उसकी शराब और आवार की दीवार बन गई है। एक शराबी हमारी बेटी की किस्मत का मालिक नहीं बनेगा, अब ये रिश्ता नहीं होगा, हरगिज नहीं। नहीं जजान, नहीं, खुदा के लिए अपना फैसला बदल डालिए। हमारे फैसले अटल होते। ये मंगनी टूट गई तो भैया का दिल टूट जाएगा, वो निशो के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। निशो से प्यार करते हैं, उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं। निशो को उनसे न छीनी चाहिए, या न छीनी। नासिर, मैं जान गया हूं कि तुमने शराब किस लिए पी है। तुम मेरे लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना चाहते हो। क्या तुम समझते हो कि एक अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त सिर्फ तुम? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा शकील। दौलत वाले हो इसलिए अपने हर फैसले को अटल समझते हो, लेकिन कुर्बानी तो गरीब दिया करते हैं नासिर। कैसे दौलत वाले हो तुम के जमाने की रीत बदलना चाहते हो? जमाना अपनी रीत खुद बदल रहा है जर्मी, मैं तो उसे निभा रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा शकील, कभी नहीं। तो फिर क्या सोचकर इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाहिए तुमने? तुमने क्या सोचकर मुझे दलील करना चाहा? बात बहादुर की नजरों से खुद को गिराना चाहा? तुमने क्यों शराब पी है नासिर?
तुमने क्यों शराब पी? तुम मेरे लिए तीन कुर्बानी देना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा नासिर, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा शकील। मैं दोस्ती की बाजी हार कर मोहब्बत की बाजी नहीं जीतना चाहता। मुझे गरीब जानकर इतनी बड़ी गाली ना दो नासिर। मेरे पास तुम्हारी बख्शी हुई आंखों की रोशनी और तुम्हारी दोस्ती के सिवा रखा ही क्या है? मैं तो अंधा होकर यह ना देख सका कि मेरे हाथ किसकी खुशियां लूटने के लिए बढ़ रहे हैं। मगर तुम तो सब कुछ देख रहे थे नासिर, सब कुछ देखते हुए भी लूटने के लिए क्यों तैयार हो गए? दोस्त ने अनजाने में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, उसने कुछ मांगा था, मैं उसे मायूस कैसे कर देता, उसके सवाल को रद्द कैसे कर देता? मोहब्बत जागीर नहीं जिसे बांटा जा सके, खैरात नहीं जिसे दूसरे की झोली में डाला जा सके, ये तो किस्मत वालों को मिला करती है नासिर। ने मेरे खिलाफ फैसला किया है, मैंने खामोशी से अपनी हार मान ली है, तो तुम भी खामोशी से उसका हाथ थाम लो ना। तुम ठीक ही कहते हो शकील, मोहब्बत जागीर नहीं जिसे बांटा जा सके, खैरात नहीं जिसे दूसरों की झोली में डाला जा सके, तुम ठीक ही कहते। हाँ नासिर, निश्चय तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारी मांग है, वो तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी आरजू है। मैं दोस्त हूं दुश्मन नहीं, जो तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी मोहब्बत लूट लो, निश्चय तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी। यकीनन हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। निश्चय बाजार में रखा हुआ खिलौना नहीं, जिसकी किस्मत का फैसला खरीदार करे, वो हमारी बेटी है और फैसले का हक हमें हासिल है। शकील तुम्हारा दोस्त है, तुम इसे जो इज्जत चाहो दे सकते हो, लेकिन हम इसे ना बेटा बना सकते हैं ना घर की इज्जत। उस माँ का बेटा हमारा दामाद किस तरह बन सकता है जो हमारे ही घर की मुलाजिमा? हम अपनी दौलत और जायदाद का मालिक उसे कैसे बना दें जो खुद हमारी बेटी के लिए कोई हकीर सा तोहफा खरीद नहीं सकता? अब हमारा फैसला है कि तुम्हारी और निशो की शादी फौरन होगी। अगर तुम चाहते हो कि निशो की मांग कभी ना भरे, उसके हाथों पर कभी मेहंदी ना रचे, कभी उसकी डोली ना उठे, तो इनकार कर दो। बोलो नासिर, क्या तुम इतने जालिम हो सकते हो? जवाब दो नासिर, जवाब दो, जवाब दो नासिर, ये निशो की जिंदगी का सवाल है। खान बहादुर साहब ठीक कह रहे हैं नासिर, एक मुलाजमा का बेटा उनकी इज्जत कैसे बन सकता है? तुम शादी के लिए हाँ कर दो नासिर, मैं यहां से चला जाता हूं। जा रहे हो शकील? तुम्हें जाना ही चाहिए था। चचा जान के इस फैसले के बाद तुम यहां कैसे रुक सकते थे? मेरी यह खुशी कैसे देख सकते थे? अपनी महरूमियों पर मातम करने जा रहे हो या अपनी मोहब्बत की मौत पर आंसू बहाने? यह तो किस्मत का फैसला था शकील, जिसने मेरे दामन में खुशियां और तुम्हें महरूमियां दी। मैंने दोस्त बनकर तुम्हें अपनी खुशियां देनी चाहिए, आवारगी की तोहमत भी बर्दाश्त कर ली और शराब का इल्जाम भी, लेकिन तुम कैसे दोस्त हो शकील, जिसने ये फैसला मानने के बजाय मेरी खुशियों से जलना चाह? नासिर, ये बात है खुशियों में शरीक होगा, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि दोस्त दोस्त की खुशियों से जल गया था। बस तो फिर हो गया फैसला,
इस माह की 16 तारीख को निशो और नासिर की शादी हो जाएगी। शकील बेटे, तू रो रहा है बेटे? नहीं तो, दोस्त की शादी है इसलिए खुशी के आंसू निकल आए। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश। शकील भैया, अपने दोस्त को सेहरा नहीं बांधोगे क्या? क्यों नहीं बांधता, दोस्ती तो सेहरा बांधा करते हैं। तो ये लीजिए, आप सेहरा बांधिए, मैं निशो को खुशखबरी सुना कर आती हूँ। चलिए आप भी खाला जाए, चलो बेटी। नासिर, ये फूल तुम्हारे माथे पर सजने के लिए बेताब है। फूल की हर पत्ती में मेरा दिल धड़क रहा है। सेहरा बांधो नासिर, आज तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। हाँ शकील, आज मेरी नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। अरे भाई, अभी तक सेहरा नहीं बना। चेहरा बन जाए तो चेहरा छूट जाता है चाचा जान, लेकिन आज आज मैं अपना चेहरा नहीं छुपाऊंगा। चेहरा ना बांधने की अच्छी दलील दी है तुमने। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई शकील। हाँ, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। मैं भी तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले खान बहादुर साहब से कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। दूसरी शादी? ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ खान बहादुर साहब, दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने किसी और से नाता जोड़ लिया है। किससे की है तुमने शादी? उससे की है जिसने मेरी मोहब्बत को आपकी तरह दौलत के तराजू में नहीं तोड़ा। आप मुझसे अपनी बेटी की शादी सिर्फ इस वास्ते करना चाहते हैं कि मैं एक लखपति बाप का बेटा और आपका भतीजा हूं। शकील को सिर्फ इस जुर्म की सजा देनी चाहते हैं कि वक्त ने उसकी माँ को आपकी दहलीज पे ला डाला था। ना से तुम खामोश रहो शकील, आज मुझे बोलने दो, इतना बोलने दो कि फिर बोलने की हद खत्म। किस लहजे में बात कर रहा हूं? मैं इतने चचा से नहीं, खान बहादुर साहब। ये खान बहादुर साहब, आप सिर्फ वो सरमायादार है जिसकी सोच दौलत से शुरू होकर दौलत तक खत्म हो जाती है। खत्म कर दीजिए इस दौलत को जो इंसान को इंसान की नजर से गिराती है। उठा दीजिए चांदी की इस दीवार को जो इंसानों को तस्लीम करती है, और मिटा दीजिए इस साथ को जो दौलतमंदों को गरीबों से नफरत करना सिखाती है। इज्जत और जिल्लत का वो फर्क मिटाना चाहते हो जो किस्मत ने कायम किया। मत का सहारा लेकर शकील जैसे गरीबों का मजाक मत उड़ाइए खान बहादुर साहब। किस्मत का नाम लेकर अपने समाज और अपने माशरे की उस गलत तकसीम पर पर्दा मत डालिए जो उसने आपके और शकील के दरमियान की। ये तकसीम आपकी, ये जुल्म आपका है जिसे खुद आपको खत्म करना होगा। इसे खत्म करना होगा खान बहादुर साहब। हम तुम्हारी बीवी को मुंह मांगी कीमत देकर तलाक लेने पर मजबूर कर देंगे। आप कीमत देंगे मेरी बीवी को? आप खरीदेंगे खान बहादुर साहब? आप? क्या हुआ नासिर? जिगर कट रहा है शकील, दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा है, और मौत की दहलीज खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोलता शकील। मैंने किसी का पसंद किया लेकिन उसका दिल तेरे लिए धड़क रहा था शकील। उसकी आंखें तुझे तलाश कर रही थी, किस्मत के पिछड़े में मिल गए। लेकिन शकील, मैं मिलके पिछड़ गया शकील। अरे इसने उधर खा लिया,
जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, खान बहादुर साहब इस दुल्हन को बुला दीजिए। मरने का फैसला मैंने किया था ना सर, तो मेरे फैसले को अपना चुप ना सिर चुप पगले। दोस्तों के फैसले तो आंखों में पड़ जाते हैं शकील, मैंने तेरा फैसला पढ़ लिया था शकील, मैंने तेरा फैसला पढ़ लिया था। ये आपने क्या किया? ये मेरा फर्ज था, अपने खून से तुम्हारे हाथों पे सुहाग की मेहंदी रचाकर मैंने दोस्ती का धर्म रख लिया है भाभी। मेरी बेरंग जिंदगी को अपने खून से रंगना चाहते हो नासिर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम जिंदा रहोगे नासिर, तुम जिंदा रहोगे। आहिस्ता बोलो शकील, कितनी अजीब है ये शादी, मेरी दुल्हन मुझे 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 खुद लेने आ रही है। तुम्हारा दूसरा भाई भी जिंदा है।